संजय सर और माधुरी मैम आप दोनों से, आपने बहुत सारी, आप दोनों ने साथ में फिल्में की, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना, कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों? जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो और क्या। करण, करण टुवर्ड्स योर लेफ्ट, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ years के बाद काम कर रहे हैं साथ में और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था। So it's always wonderful to work with, you know, co-actors you worked with before. और इसमें भी वैसा ही, लेकिन I think it's been wonderful. Actually, मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर, माधुरी मैम, मतलब मैं obviously मैम ही बुलाऊंगा, बट ये भी मैम ही बुलाते थे तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ। मैं तो करण, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ। कैसे मैंने तैयार किया उनको, देखिए देखिए, मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं, फिल्म मेकर हूं, तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया, काफी तैयार होके खुद आए हैं ये। और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट हैं, तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं, तो इसलिए ऐसे ही कोई मुझे कोई ज्यादा मेहनत, वरुण, आलिया, माधुरी, संजय आदि, सोनाक्षी, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है, तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं किया। सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ लगा है भैया, ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट में या नहीं। भैया आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के ट्रेलर, हां हां, और ये गुफ्तगू भी करके इनके साथ और भी मजा आया आपको। हाँ जी, ए वन लास्ट क्वेश्चन, करण, 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 यस यस सर, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर संजू। करण, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर आलिया एंड वरुण। हेलो, सो आलिया, वरुण,